हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कूलॉम्ब्स लॉ पर। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कूलॉम्ब्स लॉ, तो उस पर बात करेंगे हम। व्हाट इज कूलॉम्ब्स लॉ? तो सबसे पहले देख लेते हैं, आप जानते हो हमने पहले ही सीख लिया था पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्जेस के बारे में सीखा था कि तो एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, वन इज पॉजिटिव चार्ज एंड अदर इज नेगेटिव चार्ज। तो हम बात करेंगे जब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में हमने कहा था कि लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं एक दूसरे को, नहीं दूर भगाते हैं, और अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। सो अब अट्रैक्ट करते हैं इसका मतलब एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, या रिपेल करते हैं तो एक दूसरे पर क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं। तो अब हम इस फोर्स को, हमारा ह्यूमन टेंडेंसी होता है कि हम इस फोर्स को कैलकुलेट करते हैं। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो फॉर एग्जांपल जैसे मेरे हाथों में दो चार्ज हैं, तो इनका कुछ मैग्नीट्यूड होगा, और कुछ डिस्टेंस पर हम लोग, कभी हम नज़दीक ला रहे हैं चार्जेस को, कभी हम दूर लेके जा रहे हैं, और इनको मैग्नीट्यूड, आपके हाथ में दो चार्ज हो सकते हैं, तो उन दोनों के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्सन फोर्स क्या होगा, वेरी करेगा। हो सकता है कि मेरे हाथ में जो चार्जेस हैं उनका अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्सन फोर्स ज़्यादा हो, आपके हाथ में क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्सन फोर्स ज़्यादा हो। तो इसे हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करने के लिए कूलॉम्ब्स ने एक रूल दिया, एक लॉ दिया, जिसे ही हम कहते हैं कूलॉम्ब्स लॉ। तो कूलॉम्ब्स ने क्या रूल दिया कि एक बार देख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्ब्स लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, दैट इज अकॉर्डिंग टू कूलॉम्ब्स लॉ, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। एक थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं, लेट क्यू वन एंड क्यू टू आर टू चार्जेस, मान लिया कि क्यू वन और क्यू टू दो चार्जेस है, जैसे कि मेरे हाथ में क्यू वन है, दूसरा चार्ज मान लेते हैं क्यू टू। अब दो पॉइंट चार्जेस है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितना है, मान लेते हैं कि आर, इनके बीच की डिस्टेंस कितना है, आर है। तो कूलॉम्ब्स के अकॉर्डिंग जो इनके बीच लगने वाला अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स जो होगा, वो इन दोनों के मैग्नीट्यूड यानी क्यू वन क्यू टू के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सो एफ इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, क्यू वन एंड क्यू टू। एंड साथ ही साथ कूलॉम्ब्स ने ये भी बताया कि ये जो फोर्स है अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस आर है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ये फोर्स। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मींस अगर डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो फोर्स क्या होगा, कम होगा। क्लियर? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मींस अगर मैग्नीट्यूड, जैसे मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट है, अगर मैग्नीट्यूड बढ़ा दें यानी चार्जेस की मैग्नीट्यूड ज्यादा कर दें, तो इनके बीच का लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा, तो क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्लियर? अगर हम दोनों को कंबाइन करते हैं तो हम क्या कहते हैं, एफ इज इक्वल टू, क्योंकि जब हम प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो हमें एक कांस्टेंट की जरूरत होती है, हमने मान लिया यहाँ पे कोई कांस्टेंट के है, इस तरह से एफ इज इक्वल टू हो जाएगा के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर? इस तरह से वेयर के इज ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इसे हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं, एंड इट इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू होती है 9 इनटू 10 पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम्ब स्क्वायर, यानी कि ये के क्या अपना यूनिट हो गया, वेयर एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट जो है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। तो ये था कूलॉम्ब्स लॉ के बारे में। अब अगर कूलॉम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो इन वेक्टर फॉर्म वी कैन राइट कूलॉम्ब्स लॉ, द एस इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर इनटू आर कैप, वेयर आर कैप इज यूनिट वेक्टर अलोंग आर, आर कैप इज यूनिट वेक्टर अलोंग That is the line having the two charges. तो एक बार फिर से हम करते हैं, what is Coulomb's law? According to Coulomb's law, the force of attraction or repulsion between two charges is directly proportional to the product of the magnitude of charges and inversely proportional to the square of distance between the charges. So it is applicable for the point charges. So and later on we will discuss more about it.